ट्रांस के क्षेत्र के युवा संगठन भारतीय अधिकार मंच ने भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों से साफ शब्दों में कहा है कि दोनों ही प्रमुख दलों के जो भी राष्ट्रीय नेता शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनावी जनसभा करने आए हैं वे हाथी मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। ट्रांसगिरी क्षेत्र के युवा संगठन भारतीय अधिकार मंच ने भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों से साफ शब्दों में कहा है कि दोनों ही प्रमुख दलों के जो राष्ट्रीय नेता शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा करने आ रहे हैं वे हाथी मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। हाथी अधिकार मंच के संयोजक इंद्र सिंह राणा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय समुदाय की जनजातीय हक की मांग पर उनका क्या रुख है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से नाहन दौरे के दौरान हाथी मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की बात भी कही थी। उन्होंने का कहना है कि ठीक 5 साल पहले एक चुनावी जनसभा के दौरान नाहन के ऐतिहासिक चौगान में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी हाथी समुदाय को केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वायदा किया था जिसे सरकार पूरी करने में असफल रही है। इस मुद्दे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना स्पष्टीकरण दे तो ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी 19 मई को लोकसभा के चुनाव होने निश्चित हुए हैं। इस सिलसिले में हर दल के राष्ट्रीय नेता भी हमारे हिमाचल के जगह जगह पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर अपने अपने दल का प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नाहन में 12 मई को भाजपा के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान अमित शाह जी का भी दौरा है। हाथी अधिकार मंच पूरे 2.5 लाख हाथी समुदाय के माध्यम से सभी की ओर से मांग करना चाहते हैं हम कि अमित शाह जी जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो नाहन के चौगान से जो 5 साल पहले तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने जो वायदा किया था हाथी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का, उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे कि क्यों सभी संवैधानिक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद सरकार हाथी समुदाय को उनका हक दिलाने में असफल रही। और यह भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो अमित शाह जी बताएं कि क्या हाथी समुदाय को उम्मीद रखनी चाहिए कि उन्हें हक मिलेगा या ये जो है अब फुल स्टॉप लग चुका है इस मुद्दे पर। हम हर दल के राष्ट्रीय नेताओं के शिमला संसदीय क्षेत्र में आने पर ये मांग करते हैं कि हर नेता यहां पर जो है अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करे कि उनकी पार्टी हाथी समुदाय के जनजातीय मुद्दे पर क्या रुख उनका है, क्या वो हमारे हक को दिलाने के पक्ष में है या इस मुद्दे को दबाने के पक्ष में है।